हजारों साल पहले यहाँ चंड और मुंड नाम के दो राक्षस थे जो यहाँ के ऋषि मुनियों को परेशान किया करते थे। हाँ तो देखिए ये मेरा पैकिंग हो चुका है, देखिए तो चलता हूँ अब मैं मेरे सौराष्ट्र की टूर के लिए। तो तकरीबन 3 महीने बाद आज मैं कोई व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं 3 महीना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, आप तो जानते हैं कि कोविड था, तो कोविड की वजह से कोई भी कंटेंट बनाना, वो भी ट्रैवलिंग कंटेंट बनाना उतना ईजी नहीं था। बिकॉज गुजरात में यानी मैं रहता हूँ अहमदाबाद में, तो यहाँ से तो ज़्यादातर चीज़ें बंद थी, यहाँ से कहीं जाना अभी अलाउड नहीं था, तो मैं कोई व्लॉग नहीं बना पाया। और दूसरी चीज़ ये थी कि मेरा पूरा फैमिली कोविड पॉजिटिव था, तो तकरीबन 1-1.5 महीना तो उसमें ही निकल गया मेरा। और उसके बाद लॉकडाउन की वजह से मैं कहीं भी नहीं जा पाया, कोई भी शूट नहीं कर पाया। तो फाइनली अब मैं निकल रहा हूँ और इस बार मैंने सोचा कि जाऊँ तो लंबी टूर के लिए ही जाऊँ, छोटे छोटे वन डे पिकनिक ऐसा मुझे नहीं करना है। कब से मैं ट्राई कर रहा था कि मैं जैसलमेर लास्ट ईयर में गया था, उसके बाद मैं कोई भी लंबी टूर नहीं कर पाया। और मेरा प्लानिंग यही है कि मेरी ट्रैवलिंग चैनल पे हमेशा लंबी ट्रैवलिंग सीरीज ही आए, बट काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि मैं जॉब करता हूँ और साथ साथ में यूट्यूब भी करता हूँ, और दूसरा प्रॉब्लम था कोविड का सबसे बड़ा, कि उसके वजह से मैं कहीं जा नहीं पाया। तो फाइनली इस बार मैं जा रहा हूँ सौराष्ट्र को एक्सप्लोर करने के लिए। एक्चुअली मैं पूरा सौराष्ट्र एक्सप्लोर करना उतना ईजी नहीं है, कम से कम 10-15 दिन लगे अगर आप सारे प्लेस अच्छी तरह कवर करना चाहते हैं तो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो विजिट कर सकते हैं आप सौराष्ट्र में। तो मैं कुछ पार्ट इस बार एक्सप्लोर करने वाला हूँ, तकरीबन 7-8 दिन का मेरा ये प्लानिंग है। और कहीं भी मैंने होटल बुकिंग वगैरह कुछ भी नहीं करवाया है, तो जाऊंगा और खुद से करूंगा, वहां जाके देखेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी तरीके से मैं बुकिंग करूंगा। लेकिन यहां से कोई मैंने प्लानिंग नहीं किया है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं जगह को एक्सप्लोर करूंगा, वैसे ही होटल बुकिंग वगैरह भी करूंगा, आपको बताऊंगा भी। और इस बार मेरे साथ आने वाले हैं मेरे अंकल, तो पहले मैं उनको पिक कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपसे आगे की बात करता हूँ। तो मैंने मेरे अंकल को पिक कर लिया है, ये मेरे अंकल हाय विजेश जानी है मेरे अंकल, लेकिन फ्रेंड जैसे ही है। तो हम दोनों साथ में ये ट्रिप प्लान किया है और पहले हम जाने वाले हैं यहाँ से जूनागढ़। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ से जूनागढ़ का डिस्टेंस है 320 किलोमीटर, और जूनागढ़ जाते टाइम जो भी दूसरे अट्रैक्शन है उसको हम देखते हुए जाएंगे। तो पहला हमारा पड़ाव है यहाँ से चोटीला, जो फेमस है गुजरात सौराष्ट्र का फेमस टेम्पल है चोटीला। तो चोटीला यहाँ से 170 किलोमीटर, तो चलते हैं चोटीला और आज एक्सप्लोर करेंगे चोटीला। तो अब पेट्रोल वगैरह मैंने फिल करवा लिया है गाड़ी में, सीएनजी भी फिल करवा लिया है, और अहमदाबाद से अभी 10 बजे निकल चुके हैं हम चोटीला के लिए। 170 किलोमीटर है, तकरीबन 2.5-3 घंटे का रास्ता है, और वहां पहुंचने के बाद एक्सप्लोर करेंगे चोटीला को। हाँ तो यहाँ से चोटीला कैसे पहुँचा जा सकता है उसके बारे में थोड़ी बात कर लूँ। एक्चुअली मैं जा रहा हूँ मैं जूनागढ़, ये जूनागढ़ हाईवे यानी राजकोट हाईवे है, तो राजकोट हाईवे पे पहले आएगा लिमड़ी और उसके बाद आएगा चोटीला। तो अगर आप आते हैं अहमदाबाद की साइड से तो आपको राजकोट हाईवे लेना है।
वहाँ तो तकरीबन 2 घंटे की राइड के बाद हम पहुँच चुके हैं चोटीला। तो अब यहाँ की बात करते हैं, आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं और यहाँ आप कहाँ रुक सकते हैं, सब चीज़ें अब मैं आपको बताऊँगा। फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं यहां चोटीला। ये देखिए यहां का पार्किंग है और पीछे आपको दिख रहा होगा वो पहाड़ी पे जाना है जहां के दर्शन करने हैं। तो मैं दिखा देता हूं यहां कौन कौन सी आपको सुविधाएं मिलेगी, वो आगे चल के देखते हैं। यहां जो पार्किंग है वहीं उस पीछे के साइड पे गौशाला भी है, आप देख सकते हैं पीछे, और यहां पीछे अतिथि भवन भी है। तो अगर आप यहां रुकना चाहते हैं तो यहां रुक भी सकते हैं। पीछे के साइड भोजनशाला भी है, तो यहाँ आपको अन्न क्षेत्र भी मिल जाएगा। और यहाँ एंट्रेंस है, आप देखिए यहाँ से ऊपर जाना है, तकरीबन 620 स्टेप है और वहाँ ऊपर टेंपल है चामुंडा माता का। यहाँ पीछे भी एक टेंपल है और इस साइड आप देखिए पूरा मार्केट है यहाँ पीछे। तो अब चलते हैं ऊपर और दर्शन करते हैं। ये जो स्टेप्स हैं वहाँ ये शेड बनाए हुए हैं, देख सकते हैं आप, इसकी वजह से बहुत ही ईजी रहता है। बिकॉज अगर बारिश होती है या बहुत गर्मी हो ज़्यादा तब भी यहाँ ईजी है, आप ऊपर तक आराम से जा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं ऊपर पहुंच चुका हूं टेंपल तक और तकरीबन 15 मिनट का टाइम लगा मुझे ये 620 स्टेप्स को पार करते हुए। और वैसे तो ये मॉडरेट चढ़ाई है लेकिन खड़ी चढ़ाई है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। यहां स्टेप्स बहुत कम है लेकिन चढ़ाई खड़ी है। हाँ, तो ये जो चोटीला का टेंपल है वो चामुंडा माता को डेडिकेट करता है। तो अब मैं करता हूँ दर्शन और उसके बाद यहाँ की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। यहाँ पीछे देख सकते हैं टेंपल का एंट्रेंस है, मेन टेंपल का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है तो मैं अंदर से आपको नहीं दिखा सकता। मैं टेंपल के दर्शन कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं।
मैंने यहाँ टेंपल के दर्शन कर लिए हैं और यहाँ टेंपल के पीछे के साइड में एक गुप्त महादेव का टेंपल है, वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ की हिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ की मान्यता ऐसी है कि हजारों साल पहले यहाँ चंड और मुंड नाम के दो राक्षस थे जो यहाँ के ऋषि मुनियों को परेशान किया करते थे। तो उसकी वजह से यहाँ के ऋषि मुनियों ने तप किया और माता को प्रसन्न किया, तब जाके माता ने यहाँ आके चंड और मुंड राक्षस का वध किया और माता की यहाँ स्थापना हुई। तो इसी वजह से यह टेंपल बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है यहाँ गुजरात में। अगर आप गुजरात आते हैं और सौराष्ट्र आते हैं तो ये मस्ट विजिट प्लेस है। तो इसका धार्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है, तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं चोटीला चामुंडा टेंपल का। मैं जा रहा हूँ नीचे की साइड, यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है। अब चलते हैं नीचे की साइड और यहाँ आपको भोजनशाला भी नीचे, जैसे मैंने बताया था आपको कि वहाँ भोजनशाला भी है, तो आप यहाँ प्रसाद भी ले सकते हैं और रहने की सुविधा भी है। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी रहने की सुविधा है वो मैं आपको नीचे जाके बताता हूँ कौन सी जगह है। दर्शन करके नीचे के साथ नीचे आ चुका हूँ और ये पीछे आप देख सकते हैं चामुंडा माता का दूसरा एक टेंपल है। तो जो ऊपर नहीं जा सकते वो यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ नीचे की साइड मार्केट भी है और उसके साइड में रहने की भी जगह है अतिथि गृह। लेकिन मैं आपको एक ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जो बेस्ट जगह है, क्लीन जगह है और बहुत ही खूबसूरत है, जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ चलते हैं और बताता हूँ कि आप अगर यहाँ आते हैं चोटीला तो वहाँ भी स्टे कर सकते हैं। हाँ, तो अब यहाँ से निकला हूँ मैं चामुंडा टेम्पल से और मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ रहने की अच्छी सुविधा कौन सी है, तो यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है वहाँ चलते हैं। एक टेम्पल ही है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल जगह है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ वहाँ रुक सकते हैं। मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ जलाराम टेम्पल, जो कि चोटीला टेम्पल से 2 किलोमीटर आगे है, जो मैंने आपको बताया था कि रहने के लिए बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो अंदर जाके थोड़ा कुछ दिखा देता हूँ। ये आप देख लेते हैं पीछे ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस में जाके आपको दिखाता हूँ कैसा ये पूरा परिसर देखिए यहाँ का। ये पीछे है जलाराम टेम्पल, यहाँ अन्न क्षेत्र भी है और रहने की सुविधा भी है। यहाँ भी है रहने की सुविधा और टेंपल के पीछे की साइड भी रहने की सुविधा है। यहाँ एसी नॉन एसी दोनों तरह के रूम्स अवेलेबल है। अब पूछ लेता हूँ मैं यहाँ क्या कितना प्राइस है उसका। अभी दोपहर के बजे हैं 3, तो अभी आप देख सकते हैं टेंपल में कोई नहीं है। मैं अभी अंदर से आपको नहीं दिखाता हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है और यहाँ भोजनशाला है और मैंने ऑफिस में पूछ लिया है कि यहाँ रेट क्या है। तो यहाँ रहने का प्राइस है, अगर आप एसी रूम में रहना चाहते हैं तो है 800 रुपीज़ और 400 रुपीज़ है नॉन एसी का। तो अब मैं चलता हूँ, दोपहर के 3 बजे हैं और लंच का टाइम हो गया है, तो अब करते हैं लंच। तो यहाँ रहने का ऑप्शन आपको मैंने दिखा दिया, अगर बेस्ट जगह आपको चाहिए तो आप यहाँ जलाराम टेम्पल में आ सकते हैं स्टे करने के लिए और भोजनशाला भी है, खाना भी खा सकते हैं आप यहाँ। और अब हम यहाँ लंच का टाइम हो गया है, तकरीबन 3 बज गए हैं, तो अब हम जा रहे हैं यहाँ की फेमस रेस्टोरेंट लाला रघुवंशी में। तो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको फूड वगैरह। मैं यहाँ लंच करने के लिए आया हूँ लाला रघुवंशी रेस्टोरेंट, जो कि चोटीला हाईवे पे है और यहाँ का काठियावाड़ी फूड बहुत ही फेमस है। मैं खाने बैठ चुका हूँ, देखिए कितनी सारी चीज़ें, देखिए सब्जी 5-6 टाइप की सब्जी है, ये आप देखिए। मैंने यहाँ लंच कर लिया है लाला रघुवंशी में, बहुत ही बढ़िया फूड था यहाँ का। तो अगर आप ये रास्ते से जाते हैं तो यहाँ का फूड ज़रूर ट्राई करें। और अब मैं जा रहा हूँ जूनागढ़ की ओर और ये व्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। अभी देखते हैं आगे कोई जगह में अगर एक्सप्लोर कर पाऊँगा तो उसको भी इंक्लूड करूँगा, वरना डायरेक्ट मैं जूनागढ़ पहुँचूँगा।